क्या बोलूंगा, तो समझ ही रहे होगे ना, जब जब 1 जनवरी आएगा तब तक। अच्छा आप पता, एलोवेरा के पेड़ों की भरमार लगी हुई है। एलोवेरा ही एलोवेरा हो रखा है, कितना बड़ा एलोवेरा हो रखा है ये देखो, वो देखो। स्वागत करो ट्रॉली बाहुबली। ओ भाई मेरे जूते जाते सब बहुत परेशान हो गया तुमसे, इसी में बंद करके इसी फ्रिज में रख दूंगा। Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. तो happy new year आप सभी को और आपकी फैमिली को। आई विश कि ये साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए, आप खुल के एंजॉय करो, सारी दिक्कतें प्रॉब्लम दूर हो जाए, ना ही वो आए, खूब सारा धमालो, खूब सारी खुशियां हो, ढेर सारी खुशियां आए, ये मेरी और सोनिया की तरफ से विशेष हैं। आई होप कि सब कुछ अच्छे से गया होगा, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा 31st का नाइट, और अभी भी आप इंजॉय कर रहे होगे। हम लोग भी सो करके उठ गए थे, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आँख नहीं खुली, लेकिन फिलहाल नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे हैं, अभी करते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद अपना दिन इंजॉय करते हैं। तो भैया शाम के बज गए हैं 7, आज पूरा दिन बस टीवी देखते रहे, मूवीज देखते रहे, इसी में निकल गया, पता ही नहीं चला एक्चुअली। एक तो बाहर इतना ठंडा हो रखा है कि बाहर बालकनी में झांकने का भी मन नहीं कर रहा है, एक तो हवा चल रही ना ऐसी खतरनाक हवा चल रही भाई, ऐसे कारण पता नहीं बच्चे बाहर कैसे खेल रहे हैं। खैर ये होता है कि जब खेलने लग जाओ तो गर्मी आ जाती है, पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे लग रहा है हम किसके साथ खेलें भैया, बचपन तो चला गया। खैर इसी में हमने बोला हम मूवी देख रहे थे यार, फिर ऐसे एक आध वीडियो देखे, उसी में सारा टाइम निकल गया यार। अभी चाय वाय पी सोनिया निकल गई अपने घर, मैंने कहा यार सिद्धाना यार कि आज तो 1 जनवरी है, नया साल है, ब्लॉग भी उस तरह से नहीं बन पाया, शाम में स्टार्ट हो रहा था, मैंने सोचा पहले कि कल बनाते हैं, कल बताते हैं आपको, दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ आज दिखाने के लिए है नहीं, लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं कुछ बातें ही शेयर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ब्लॉग के लिए ही सब कुछ करना है यार, हम लोग एक फैमिली है तो आपस में कुछ शेयरिंग तो कर ही सकते हैं। तो आई होप्स आप सब लोगों का हैप्पी न्यू ईयर बहुत बढ़िया तरीके से गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ना आपको परेशानी हुई होगी, ना आपने किसी को परेशान किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे आज मैंने न्यूज़ देखी छत्तीसगढ़ से, जहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 दोस्त लोग थे और 6 की डेथ हो गई। तो मैं यही चीज़ें कल आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि कभी भी किसी ऐसी चीज़ों में मत पड़ जाइए जिससे दूसरे को दिक्कत हो और आपको दिक्कत हो। अब देखो यार वो एक परिवार था, मतलब एक परिवार नहीं 6 दोस्त थे, तो 6 परिवारों के लिए कितनी दुख की घड़ी रही होगी। 1 जनवरी हमेशा के लिए उन 6 परिवारों के लिए, क्या बोलूँगा तो समझ ही रहोगे ना, जब जब 1 जनवरी आएगा तब तक वो लोग क्या ही नया साल मनाएंगे, हो गया अब सब पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो जाता है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि फेस्टिवल मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए होता है, इस तरह से पी पा के उल्टी सीधी हरकतें करने से नहीं होता है। अब आप अपनी वजह से अपने परिवार वालों को परेशानी में डालते हैं, सामने वालों को परेशानी में डालते हैं, और आप बचते नहीं बचते हैं, तो भगवान की। खैर ठंडा एकदम से बहुत बढ़ गया, कोल्ड वेव की वार्निंग अलर्ट हो चुकी है, तो ठंडा चल ही रहा है, मतलब कमरे में भी ऐसा लग रहा है, रूम्स में भी अंदर से हवा आ रही है, दोनों तरफ से डोर बंद कर दिया मैंने, बालकनी बंद कर दी है, तब भी हवा आती आती लग रही है, सोच रहा हूँ एक जैकेट और डालूँ इसके ऊपर। अब तो ठंडा बढ़ेगा ही, ये 1 महीने की ठंड तो जबरदस्त रहेगी, फिर फरवरी में धीरे धीरे उतरना, मतलब उतरना चालू होगी। फिलहाल डिनर का अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी सोनिया आ जाए फिर देखते हैं डिनर क्या करते हैं, कुछ सिंपल सा या तो दाल सब्जी बना लेंगे या कुछ सब्जी या रोटी बना लेंगे। और मैंने ट्रॉली बैग दोबारा से ऑर्डर कर दिया था, वैसे तो 29 तारीख को ऑर्डर किया था, आने वाला था कल आने वाला था, लेकिन कल नहीं आया, अब इसकी डिलीवरी 2 तारीख को कर दी, शिपिंग अभी डिलेड है, तो देखते हैं कि आता नहीं आता यार, आ जाए तो छुट्टी, नहीं तो मैं स्टोर पर जाकर ज़्यादा पैसा फूकना पड़ेगा, अभी सस्ता मिल रहा है तो ये आ नहीं रहे, भसड़ मचाए पड़े हैं। लिख तो रहा है कल अराइविंग बाय 9 PM और शिप हो गया है कल, आउट ऑफ डिलीवरी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए मॉर्निंग में आफ्टरनून तक, और शाम तक डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें एक बड़ा बैग तो लेना ज़रूरी है ही, कि कहीं भी जाओ तो 2 बैग हो जाते हैं, एक एयर बैग हो जाता है और एक लैपटॉप बैग हो जाता है, तो एक तरीके से 4 चीज़ें हो जाती हैं, तो वो 2 बैग कम हो जाएंगे, जो हम 2 ट्रॉली बैग लेके जाते हैं तो वो 1 हो जाएगा, अगर 1 जरूरी लगा तो एयर बैग जाएगा, लैपटॉप बैग तो जाएगा ही जाएगा, वो तो हमेशा नंबर 1 रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैंने उस दिन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वही ना शिपिंग डिले हो गई, कल मैसेज आया कि 2 तारीख को डिलीवरी होगी, और देखो कल आ जाता तो ठीक है, वेलन गुड है, तो हमें थोड़ा सा रख रखाव में आसानी हो जाएगी, निकलने बैठने में आसानी हो जाएगी, एक ही बैग लादना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, दो दो करके नहीं चढ़ाना पड़ेगा, तो वही सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार अमेज़न, आजकल जैसे जैसे देख रहा हूँ ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ अमेज़न की डिलीवरी सिस्टम ना एकदम बकवास होती जा रही है, वही हो जाता ना कि यहाँ पे आ गया तो यहाँ के तरह से रवैया बन जाते हैं। खैर कोई नहीं, आई होप कि कल आ जाएगा,
कल आ जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो सेल भी लगती है अमेजन पे, आप परचेस कर लो। बाहर आउटलेट में क्या होता है ना, वही सब चीज़ें वो बढ़ा के इसलिए बेचते हैं कि उनको अपनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, एम्प्लॉई चार्ज, मतलब सैलरी वगैरह, आउटलेट का रेंट वगैरह सब इंक्लूड करके वो कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ऑनलाइन में वो चीज़ होती नहीं, इसलिए सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग ऑनलाइन चीज़ें प्रेफर करते हैं। वैसे भी आजकल बहुत लोग चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाते हैं, जब सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं तो आदमी बाहर क्यों ही जाएगा। बच्चे लोग एकदम ठंड में लगे पड़े हैं, खेल रहे हैं दबा, मतलब चिंता नहीं है कि इतनी ठंड पड़ रही है तो घर में रहें, खेलते खेलते इतनी गर्मी आ जाती है उनको पता ही नहीं चलता ठंडा चढ़ रहा है। खैर आप लोग भी तो बचपन में ऐसे ही थे। तो गाइस आज है डे टू नए साल का, 2 जनवरी है। कल ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई थी, मैंने कहा कि चलो उसको नेक्स्ट दिन में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये कुछ था नहीं दिखाने को। और आज सरप्राइजिंगली यहाँ पे शायद वेस्ट दिल्ली में पानी की दिक्कत हो गई है, पानी आ ही नहीं रहा है। कल मुझे पीछे आवाज़ें तो आ रही थी कल का, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, लेकिन आज पता चल रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, किसी भी मोटर पानी उठा नहीं पा रही है। आई डोंट नो, कहीं से भी कुछ ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं है, न्यूज़ भी नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला था या कुछ मेंटेनेंस चल रहा था या नहीं। अभी चलेंगे ऊपर, देख करके आएंगे कि वाटर टैंक में कितना पानी है, सफिशेंट पानी है कि नहीं, क्योंकि सोनिया तो नहा दोगे है, क्योंकि उसको पूजा भी करनी थी। मैंने कहा कि पानी नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, हाथ मुंह धोने के भी लाले पड़ जाएं भाई। तो सोनिया नहा दोगे तो अपना अपने काम से लगी हुई है, बाकी अभी हमने कपड़े नहीं डाले, हमें कपड़े भी डालने, क्योंकि हो सकता है कल या परसों दो एक दिन में हम किसी ट्रिप पर निकलें जिसकी प्रिपरेशन हमें अभी करनी है। तो अभी चलते हैं ऊपर, देख करके आते हैं कि टाइम कितना पानी है, और देखते हैं मोटर चला के कि क्या पानी ऊपर चढ़ पा रहा है, आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये टाइम आता है 12 से 5 या 12 से 4 दिन में पानी आता है, फिर रात में 12 से सुबह 5 या 4 बजे तक रहता है। ये साउथ वेस्ट दिल्ली में ऐसे ही पानी आता है, आई डोंट नो कि क्या दिक्कत होगी, तो पता नहीं, चलो देख करके आते हैं पहले ऊपर। अभी जीने में चढ़ के ऊपर आया हूँ पानी चेक करने की टैंक में कितना पानी है, आज का काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा यार, पता नहीं क्या ही भसड़ हो गई है। काफ़ी टाइम हो गया छत पर आए हुए, टैंक चेक करते हैं कि टैंक में कितना पानी आ रहा है या नहीं है, काम चल जाएगा कि नहीं। चलो देखें कितना पानी है भाई, पानी तो आज टैंक से कम ही लग रहा है भाई, बालू बहुत आती भाई। छत पर देखो एलोवेरा के पेड़ों की भरमार लगी हुई है, एलोवेरा एलोवेरा हो रखा है, कितना बड़ा एलोवेरा हो रखा है, ये देखो वो देखो भाई एलोवेरा एलोवेरा हो रखे हैं, पहाड़ वहाड़ सब ऊपर लाके पता नहीं कबाड़ा भर देते हैं लोग। चलो इन पेड़ों को तो कोई नहीं, कहीं भी रख दो उनको तो सही है, लेकिन ये सभी रख देते हैं फेंको ना जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो, यार कबाड़ा सजा के रखते हैं। बाकी ये पेड़ कितनी बार काहे की एक जगह लाइन से लगा दो, लेकिन कोई ना कोई उठा के इधर उधर कर देगा, देखने आएगा उठा के कर देगा। धूप बढ़िया निकली हुई है लेकिन अभी भी हल्की हल्की धुंध है, पानी यार हाफ टैंक है और पता नहीं पानी क्यों नहीं आ रहा यार। तो भाई पानी तो टैंक में ज़्यादा है नहीं, हाफ टैंक है, सुनिए हाफ टैंक ही है, हाफ टैंक से थोड़ा थोड़ा कम कम है, हाफ टैंक से कम कम है, अगर तो बताओ क्या करा जाए फिर। हम तो नहा धो लियो, अगर मैं नहाऊंगा तो बाकी साहब घर के लिए भी काम के लिए चाहिए यार, क्योंकि अगर कपड़े धोने डाल दोगे ना तो फिर तो गए भैंस पानी में। मैं देखता हूँ फिर, मैं वैसे तो शाम में नहाऊंगा, अगर मैं थोड़े बहुत कपड़े धोने तो थोड़े डाल दो ताकि ज़्यादा नहीं, तो अगर टैंक ख़त्म तो गए, रात रात में भी कुछ लग नहीं रहा पॉसिबिलिटीज़ की पानी आएगी, कुछ न्यूज़ ही नहीं है सुनिया। तो मैं पूछा उधर पालम साइड में आ रहा है, ये तो तुम ऐसे फ़ोन से ही पता कर सकती हो, अब यहाँ पे तो कुछ न्यूड है ही नहीं यार, अजीब भसड़ है यहाँ, यहाँ ऐसा तो कभी शायद हुआ नहीं कि पानी नहीं आया, अल्टीमेटली कुछ मेंटेनेंस हो, लेकिन इतना साल हो गया यहाँ ऐसा कुछ लगा नहीं, अभी अचानक पता नहीं क्या ही हो गया है कि पानी गायब है। कल वहाँ पीछे आवाज़ें आ रही तो मैंने उसमें नोटिस नहीं किया, मैंने कहा हो रहा होगा किसी की मोटर ख़राब हो गई होगी, नहीं आ रहा होगा, यहाँ तो अलग ही सीन हो रखा है। और गाइस अपना फाइनली मोस्ट अवेटेड अपना ये अमेजन से पैकेज आ गया, ट्रॉली बैग आ गया जो हमने दोबारा ऑर्डर करा था, क्योंकि आना था 2 दिन पहले, शायद 29 दिसंबर को तो ऑर्डर किया था और ये आना था 31 को आ जाना था, हाँ 31 संडे को आ जाना था, लेकिन शिपिंग डिले हुई, उसके बाद ये आज फाइनली आ गया। ये था, अभी इसको ओपन करके चेक करते हैं कि ये कैसा आया कैसा नहीं आया है, अगर कुछ लगेगा कि इफ एंड बट है तो इसको फिर रिटर्न डाल देंगे, फिर कहीं और से देखेंगे। तो चलो पहले इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि क्या इसमें है, कैसा आया है, जैसा ऑर्डर किया वैसा है या नहीं। आज डिलीवरी कैसे दे रही, इतना बड़ा है कि तुम्हें निकालने में वो हो रहा है। स्वागत करो ट्रॉली बाहुबली। ओ भाई ओ बेटे, बड़ा है तो
अच्छा लग रहा है, ऊपर से ना वो चिकना वाला नहीं है। सिंगल व्हील का नहीं है, डबल व्हील है, मैंने उसमें देखा था। अब देखो यार एयरपोर्ट पे उठा के फेंक दो तो बहुत, इसको फिर एयरपोर्ट के लिए रखो। नहीं ये तो हमारे यहाँ के यार चीजें आती रहेंगी ना, जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना ये लेके चलो। खोल के बताओ इसको फिर। ठीक है फिलहाल साइज ही फुल साइज मंगाया हमने। और ये बेटा मेरे को लग रहा है शोरूम में जो देखा था वो बड़ा था इससे, क्या बोलते हो? सुनिए देखो ना कितना बड़ा है यार ये। अच्छा वहाँ रखे होते हैं इसलिए बड़े दिखते हैं। तो फिर वो चीज है, अब इसमें ये देखो यहाँ पे स्टार्ट वाला लॉक जो बेसिक है उसको खोलते हैं। मेरे कपड़े आएंगे मेरे ज्यादा होते हैं, तुम बोलते ना मेकअप बॉक्स ये वो ज्यादा होते हैं, मेरे जूते जाते सब आएंगे। परेशान हो गया तुमसे, इसी में बंद करके इसी फ्रिज में रख दूंगा। जनता माफ नहीं करेगी, जनता को हम संभाल लेंगे। ये क्या है? क्या है? तो जरा उठा उठा वो हवा भर गई, उसको हवा निकल जाएगी, चेन खोलेगा तो हवा निकल जाएगी। ये भर गया फिलहाल, ये ठीक है सोनिया फिलहाल ये फुल साइज का है गाइस और मुझे तो ठीक लग रहा है। 78 है वहाँ पे, मैंने देखा था ना 28 इंच था वो, ये सेंटीमीटर में है। तो तुमने अगर मैथ पढ़ी हो, नहीं नहीं वहाँ का 80 सेंटीमीटर था, इंच की बात नहीं कर रहे, ये 78 है, 2 सेंटीमीटर की कमी है बस। 2 सेंटीमीटर में दो जरा सी ट्रॉली हाँ, बड़ी कर दो ये इसके व्हील्स तो हो जाएं। मेन चीज होता है ये बीच का पार्ट। 13,800 का है ये? हैं? 13,800 का है जी बिल्कुल, सस्ती बात हम कभी करते नहीं है। जा सकता है ये अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बाय अमेरिकन टूरिस्टर है। तो फिलहाल हमें तो अच्छा लगा। कलर आपको कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। ये तो नीचे गंदा रखा रहेगा तो गंदा होगा ही। फिलहाल कलर आप बताना कैसा लग रहा है। ये शाइनी है थोड़ा सा, यहाँ देखो लाइट में ही शाइनी करता है। और ये थोड़ा सा वैसा है जैसे नहीं स्लिपरी ना हो, कहीं भी रख दो स्लिप ना हो वैसा सरफेस है, एकदम चिकना नहीं है क्योंकि ये ना रपटने वाली चीजें नहीं होती। ट्रॉली इसकी और उसका ये ऐसा आराम से निकल जाएगा। ठीक है मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी इनका तो पता नहीं क्या ही बोलेंगे। मुझे तो अपने हिसाब से ठीक लग रहा है, बड़ा में एक रिक्वायरमेंट थी तो ये भी बड़ा आ गया। आगे चलेंगे फिर एक और नया बड़ा ले लेंगे। बड़े बड़े बेस्ट रहते हैं, तीन चार हाँ, अच्छा दो तीन चार रखने से अच्छा है कि दो बड़े रख लो, छुट्टी इजी टू कैरी भी रहता है और हाँ। आराम से लाने ले जाने में भी सुविधा रहती है, क्योंकि दो दो छोटे तीन तीन छोटे बैग ऊपर चढ़ाओ, एक साथ में बड़े ऊपर खोपड़ी भी रख लेंगे और चढ़ा लो। तो गाइस अब करते हैं कंपैरिजन, ये हमारे पुराना एग्जिस्टिंग है ये नया वाला है, तो ये देखो कितना बड़ा लग रहा है, दूर चलेगा है कि नहीं, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बड़ा लग रहा है। इवन ये विद भी ज़्यादा ही एक तरीके से यहाँ से, तो ऐसे भी विद में भी बड़ा है, हाइट में भी बड़ा है और इवन इसकी जो अंदर की वो है मतलब स्पेस वाइज उससे भी बड़ा। तो ये 78 सेंटीमीटर समथिंग कुछ है, हाँ 78 सेंटीमीटर। कलर मुझे ये प्यारा लगा क्योंकि इसमें ये जो लाइनिंग है ना येलो कलर की ये अच्छी लग रही है। तो आप मुझे कमेंट में बताना ये कैसा लग रहा है। ये है कामलेंट बाय अमेरिकन टूरिस्टर ग्लोबल वारंटी, कहीं भी जाओ तोड़ ताड़ के पहुंच जाओ और ठीक कर देंगे। चलो फिलहाल अपन को तो पसंद आया तो आई विल गिव इट अ थम्स अप, बाकी आप लोग मुझे बताना कि कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो फिलहाल ये आज आ गया, ये गनीमत है क्योंकि पिछली बार की तरह ये नहीं लग रहा था कि मतलब फिर गायब हो रहे हैं, तो एक ये चीज़ थी ये आ गई है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी कर ही रहे हैं क्योंकि सोनिया भी नेक्स्ट ट्रिप पे यही जाएगा, तो आपको बहुत जल्द एक नई ट्रिप मिलने वाली है, हो सकता है एक दो दिन में ही मिल जाए, उसी की प्लानिंग हम कर रहे हैं, इसलिए ये भी इसका वेट कर रहे थे ये भी आ जाए फाइनली, क्योंकि हमें उसमें बैग में दिक्कत होती है, हालांकि इनमें से एक आध बैग तो जा सकता है लेकिन ये जरूरी था। तो अभी हम उसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपको आगे आने वीडियो में पता चलेगा। लोकेशन बहुत बढ़िया है और रिसॉर्ट जो हम देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम में वो ऑलमोस्ट फुल जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि बेस्ट व्यू के साथ हमें
मिल जाए तो ज्यादा सही है। तो उसी की बातचीत चल रही है, सोनिया उसको मैनेज कर रही है, बातचीत कर रही है, करेंगे तो हम वही, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बस व्यू अच्छा मिल जाए ना, क्योंकि जिस व्यू को हम लेना चाह रहे हैं वो इस तरह एक तरीके से हाउसफुल ही आ रहा है। लेट्स सी, अभी सोनिया बना रही है पुलाव, क्योंकि हल्का फुल्का खाने का मन है, शाम का डिनर देखेंगे, अभी फिलहाल पुलाव खाते हैं। तो गाइस फाइनली नहाना धोना हो गया, पानी आ गया, लगभग 6:30 बज गए, मतलब 7 बज गए ऑलमोस्ट, क्योंकि दिन में लग रहा था पानी नहीं आएगा, सुनने में आया था कि 2-3 दिन के लिए कुछ MCT का काम चल रहा है, तो वो तो 2-3 दिन लगाएंगे, लेकिन चलो सुनने में आया कि पानी आ गया, तो फटाफट से मोटर चला दिए, बढ़िया नहा लिया, अपनी पूजा भी कर ली, अभी पियेंगे चाय। ये सही रहा कि पानी आ गया, नहीं तो अगर 1-2 दिन पानी नहीं आता ना तो भैया भैया वांदे लग गए थे, फिर तो हाथ धोने के भी पानी नहीं बचता, क्योंकि पता था नहीं पहले से, अगल बगल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ काम चल रहा है मेंटेनेंस का, 1-2 दिन 2 या 3 दिन लगेंगे पाइपों के बस ठीक होने में, कुछ मेंटेन होने में। मैंने कहा गए, अरे चलो आ गया, खुशी की बात है, क्योंकि पानी नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए जल ही जीवन है, भले आपका जलील जीवन हो लेकिन जल ही जीवन है। तो ये खाना पीना हो गया था आराम, सब बढ़िया, पानी आनी आ गया था, मोटर हमने सफिशेंट चला ली थी, अभी रात में 12 बजे थोड़ा और चला लेंगे, क्योंकि मोटर पूरी भरी नहीं है, ताकि अगर कल का कुछ माल हो सकता है, आज दे दिया हूँ पानी की, चलो ठीक है, तो है ना कोई भरोसा नहीं, रात फिर चला लेंगे एक आध बार। और अभी फिलहाल अपना डिनर हो गया, सोनिया देख रही है अपने TV के प्रोग्राम्स, अपन करते हैं अपना काम और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हैप्पी न्यू ईयर अगेन वंस अगेन, एक हमारी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, इतना बढ़िया आपका साल जाए, करते हैं अपनी ट्रिप एक प्लान, वो आपको आगे वाले वाली वीडियो में पता चल जाएगा, वीडियो की तैयारी तो आपने देख ही ली है, बैग हमारा आ ही गया है, शॉपिंग में भी जो थोड़ी हमें करनी होगी वो हम कल या परसों जो भी कर लेंगे, और फिर जल्दी आपको रिवील करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी लोकेशन है, तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, ठंडा बढ़ता जा रहा है, तो चलो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।